फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन काली मिर्च की रेसिपी, जो कि खाने में टेस्टी बहुत ही लगती है और ये इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चिकन काली मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम्स ऑफ चिकन और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब नाउ इसे हम मैरिनेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है 1 कटोरी भर के कर्ड, जिसे मैंने अच्छे से फैट लिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 छोटे चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। दही की क्वांटिटी दोस्तों इतनी रखनी है कि आपका जितना भी चिकन है वो इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखिए, हमारा चिकन का मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब हम मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बर्तन और ये अच्छे से गर्म हो गया है। नाउ मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच बटर। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बटर भी ऐड कर दिया है। अब घी और बटर हमारा अच्छे से जब मेल्ट हो जाए, तो नाउ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। फ्यू सेकेंड्स के लिए हम इसे भून लेंगे। तो चिकन काली मिर्च बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का अनियन, जिसे मैंने रफली ऐसे चॉप कर लिया है। नाउ अब मैं इसे इसके अंदर डालकर इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक, ये 5 कलियाँ मैंने गार्लिक की ली हैं, और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूलना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इतना है कि प्याज जो है थोड़े से ट्रांसलूसेंट से हो जाए। तो यहाँ साथ ही मैंने डाल दिया है 1 हैंडफुल ऑफ काजू। तो 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही सौते कर लेंगे। और नाउ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है नमक स्वादानुसार। नमक मैंने मैरिनेशन में भी डाला है, तो यहाँ थोड़ा संभाल कर डालें नमक। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें बस थोड़ा सा अनियन को सॉफ्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हमें अनियन को अच्छे से भून लेना है। अब नाउ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी वाटर और इसे थोड़ी देर हम ढक कर सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। ये मैंने लगा दिया लीड और इसे हम 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। इस तरीके से देखिए, अब हमारे अनियन काफ़ी ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं। अब नाउ इन सारे मिश्रण का मैं एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक और बर्तन रखा है और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच बटर और साथ ही साथ 2 चम्मच घी। ये गया 2रा चम्मच। तो जब हमारा घी और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो नाउ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिली। आपको तीखा अगर थोड़ा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, मिर्ची भी हमारी अच्छे से बटर हो गई है। तो नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी मैरिनेटेड चिकन और इसे हम फटाफट से चलाएंगे। तो इसे हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए
भून लेंगे। दही अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। नाव जब हमारा थोड़ा पानी सूख जाएगा तो इसके अंदर मैंने ये अनियन, काजू, अदरक, लहसुन और थोड़े बाकी के गरम मसालों का जो मिश्रण रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे फटाफट से हम ढक ढक कर भूनना स्टार्ट करेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये नीचे तले में ना लगे, क्योंकि काजू का पेस्ट जब भी किसी भी मिश्रण में पड़ता है तो वो थोड़ा सा तले में लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें भूनते वक्त। तो इसी तरीके से हमें चिकन को 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से ऐड किया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, और साथ ही साथ एक चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च, एक बड़े चम्मच, और उसके बाद हम इसे वापस से भून लेंगे। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है और ये चिकन ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो नाउ अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पानी। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैं ढककर चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करूंगी। तो ढक्कन हटाकर देखिए देखिए मेरा चिकन जो है अच्छे से भून तो गया ही है, साथ ही ये काफ़ी अच्छा पक भी गया है। तो नाउ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई थोड़ी सी धनिया, और चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी चिकन काली मिर्च रेडी हो जाती है और खाने में ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो इस तरीके से आप चिकन काली मिर्च एक बार ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों के साथ मिल बैठ कर खाएँ। आप इसे चपाती, पराठे, नान किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो आज की ये क्विक एंड झटापट वाली रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।